जिमी उसो को ही फिर से जेल। रोमन रेंस ने कही रिटायरमेंट की बात और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज WWE के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स ब्लू एज जी। तो गॉसिपियंस कैसे आप सब लोग, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज जो खबरें निकलकर सामने आई काफी एक्सक्लूसिव होने के साथ साथ काफी ताबड़तोड़ है। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों समोआ जो की न्यूज के साथ। तो समोआ जो दोस्तों फिर से एक्शन में लौटने वाले हैं। दरअसल आज NXT ग्रेट अमेरिकन बैश हम लोगों ने देखा है, जिसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ा चेंज तो हमने उसमें टैग टीम टाइटल में देखा, जहां वुमन टैग टीम टाइटल चेंज हुए हैं और दोस्तों हमारी ईओ श्राई और जो स्टार्क है न्यू चैंपियन बनी है थैंक्स टू टैगनॉक्स रिटर्न। वहीं दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज हुई वो था दोस्तों समोआ जो कि एज ए रेफ वापसी। तो हुआ क्या कि वहां दोस्तों केरियन क्रॉस एंड दोस्तों जॉनी का मैच बनाया नेक्स्ट वीक के लिए। विलियम रिगल ने ये चीज बताई कि समोआ जो एज ए रेफ यानी कि रेफरी स्पेशल गेस्ट रेफरी इस मैच में नेक्स्ट वीक दिखाई देंगे। तो काफी ह्यूज थिंग यहां हो चुकी है। बात कर लीजिए इसे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हमारी शार्लेट फ्लेयर और अंद्रादे से। तो आप जानते हैं पावर कपल है और गाइस कपल होने के नाते इनका काम बनता है कि एक दूसरे को प्यार करें, लेकिन हाल ही में दोस्तों एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। एक क्लिप दोस्तों इनके ट्रेनिंग सेशन की है। यहां दोस्तों घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को मारने को आतुर है। इन दोनों के मध्य अभी भी काफी ज्यादा प्यार है, लेकिन ये जो क्लिप है काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इसमें आप देख सकते हैं कि शार्लेट फ्लेयर ओवर पावर कर चुकी है अंद्रादे को। तो कहना पड़ेगा शार्लेट फ्लेयर ओपी। वेल यहां दोस्तों बात की जाए शार्लेट फ्लेयर और अंद्रादे की, दोनों अलग अलग कंपनीज के अंदर तो है, लेकिन स्टिल दोस्तों इनका जोड़ा अभी भी बना हुआ है और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे इस तरीके से इनका कपल बना भी रहे। हम चलेंगे आज की अपनी थर्ड न्यूज के ऊपर। तो गाइस थर्ड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े फनोमिनल वन AJ स्टाइल से। तो AJ स्टाइल से जुड़ी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग खबर हमारे सामने आ रखी है, काफी बढ़िया फैक्ट है, काफी अच्छी स्टोरी है। दरअसल सब लोग जानते हैं रेसलमेनिया 36 में AJ ने फेस किया था फनोमिनल या फिर कह लीजिए दोस्तों फिनोम अंडरटेकर को। यहां दोस्तों फनोमिनल वन फिनोम को जब फेस किए थे तो गाइस वो मैच काफी बढ़िया गया था, जो कि दोस्तों एक तरीके का सिनेमेटिक मैच था, लेकिन इसके बाद दोस्तों जो कुछ हुआ वो बेहद कम लोग जानते। हाल में दोस्तों AJ स्टाइल्स ने ये चीज बताई कि उन्होंने अंडरटेकर को उस मैच के पश्चात एक बड़ी थिंग गिफ्ट किए थे और ये गिफ्ट था दोस्तों उनके ग्लव्स का। दरअसल उन्होंने अंडरटेकर को गिफ्ट करना था और मिशेल जो कि दोस्तों अंडरटेकर की वाइफ है उनसे उन्होंने सहायता मांगी। AJ ने पूछा मिशेल से कि क्या उसे पसंद आएगा, तो मिशेल ने बताया कि उसे अपने ग्लव्स गिफ्ट कर दो। AJ ने साइन के साथ दोस्तों वो जो ग्लव्स है वो गिफ्ट किए थे टेकर को। तो काफी बढ़िया स्टोरी यहां निकलकर सामने आई है, मुझे तो काफी अच्छा लगा इसे सुनकर। आपको कैसे लगा अभी के अभी लाइव चैट में जरूर बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों फिन बैलर से। तो गाइस फिन बैलर ने हाल ही में द रॉक को टैग करते हुए काफी अच्छा मैसेज उन्हें सेंड किया है। दरअसल ट्विटर के ऊपर दोस्तों फिन बैलर ने ये तस्वीर डाली है, जिसके अंदर वो दोस्तों लगभग 14-15 साल के या फिर 16 साल के लग रहे हैं। फिन बैलर क्या चीज लिखे है, इफ यू स्मेल व्हाट ए वेरी यंग फिन बैलर वॉज कुकिंग। तो यहाँ दोस्तों फिन बैलर ने चीज बताई है कि वो बचपन से ही द रॉक के काफी बड़े वाले फैन रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने टैग भी कर रखा है द रॉक को। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो द रॉक के अटेंशन पाना चाहते हैं। अब द रॉक का दोस्तों इस पर क्या रिप्लाई आता है तो समय बताएगा, बट इससे साफ होता है कि WWE के अंदर बहुत सारे रेसलर्स ऐसे हैं जिन्हें द रॉक इंस्पायर किए हैं। यहाँ दोस्तों फिन बैलर जो है वो द रॉक के काफी बड़े वाले फैन हैं, हमें पता चलता है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने CM Punk और AJ Lee से। तो AJ Lee का दोस्तों रिटर्न फिर से रूमर हो चुका है। दरअसल WWE वालों ने हाल ही में कुछ ऐसी चीज की जो कि दोस्तों सीधे सीधे AJ Lee से जुड़ी हुई है। दरअसल WWE वालों ने दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली है, जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हम लोगों को दिखाई दे रही है। इसके अंदर दोस्तों जो रेसलर्स है वो अपनी बेल्ट्स को किस करते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं दोस्तों बीच में AJ Lee की पिक। अब आप बोलेंगे AJ Lee की पिक है तो काफी सिंपल सी थिंग है, भला ये कैसे खबर हो सकती है। तो आपको बताना चाहूंगा AJ Lee एंड CM Punk को दोस्तों WWE मेंशन नहीं करती है। दोनों दोस्तों WWE के अंदर बैंड है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, चाहे WWE के शोज क्यों ना हो, इन दोनों का नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन यहां दोस्तों AJ Lee को इस तरीके से मेंशन करना और उसके ऊपर से दोस्तों उसी पिक्चर में उन्हें टैग करना,
कहीं ना कहीं सूचक इस बात का कि गाय सीएम पंक या फिर एजे ली के जो संबंध है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काफी सुधर चुके हैं। वेल एजे ली के बारे में बताना चाहूं तो गाय डब्ल्यूडब्ल्यू की दुनिया को छोड़ने के बाद से ही वो एक ऑथर बन चुकी थी, वो दोस्तों किताबें लिखती थी और गाइस वो उसके अंदर काफी सक्सेसफुल भी रही है। हालांकि दोस्तों बात की जाए एजे ली की तो फैंस का मानना तो यही है कि एक सूचक है कि एजे ली जल्द हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर दिखाई देगी। और जैसे दोस्तों समर स्लैम पास आता जा रहा है, थिंग्स दोस्तों काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो रही है, तो देखते हैं दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है। हालांकि दोस्तों हम कह के नहीं दे सकते या फिर कह लीजिए कंफर्म नहीं कह सकते कि एजे ली का रिटर्न होगा कि नहीं, बट यहाँ दोस्तों सूचना तो कुछ ऐसी है, सूचक कुछ ऐसा ही है, साइंस कुछ ऐसे ही है। चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है जिमी उसो से। तो जिमी उसो ने फिर से करके दिखा दिया, जिमी उसो फिर से जेल के अंदर। तो गाइस ऐसा सेकंड टाइम हो रहा है कि जिमी उसो को एक ही क्राइम के लिए दूसरी बार सजा मिल रही है। तो क्या है पूरा मजा, चलिए जान लेते हैं। तो देर रात 10:30 बजे दोस्तों जिमी उसो को फ्लोरिडा में पकड़ा गया, जहां दोस्तों वो दारू के नशे में गाड़ी चला रहे थे। आगे दोस्तों रूल क्या है फ्लोरिडा का, रूल ये है कि कोई भी व्यक्ति 35 माइल पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा जब वो गाड़ी चलाएगा। लेकिन जिमी उसो की गाड़ी जा रही थी 50 माइल पर आवर की स्पीड से। जब पुलिस वालों ने देखा तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने पकड़ लिया जिमी उसो को। जिमी उसो दारू के नशे में पाए गए। जब दोस्तों दारू का टेस्ट हुआ तो उसमें भी दोस्तों मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके तहत दोस्तों वहां उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल जिमी उसो अब जेल से बाहर है और वहां दोस्तों उन्हें $550 का फाइन लगा है, यानी कि लगभग 35,000-36,000 का फाइन लगा है। बट इसमें बड़ी न्यूज़ क्या है, बड़ी न्यूज़ यह है कि डब्ल्यू के ऑफिशियल्स बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज़ से। बताया ये जा रहा है रेसर बोर्ड्स के मुताबिक दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि जिमी उसो की इस करतूत से जो बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए डब्ल्यू के अंदर वो काफ़ी नाखुश है, क्योंकि ऐसा पहली बार ही नहीं हो रहा है, ऐसा दूसरी बार ही हो रहा है। और ऑफिशियल्स की दोस्तों ऐसी सोच बन चुकी है कि जिमी उसो के तो काम ही कुछ ऐसे, करतूते ही कुछ ऐसी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसा पुश उन्हें अभी मिल रहा है, जैसे दोस्तों उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है स्मैकडाउन में, वैसा ना मिले और जे को फिर से वापस लाना पड़ जाए। अभी दोस्तों जे छुट्टी पर है, लेकिन जल्द उन्हें वापस लाना पड़ जा सकता है, क्योंकि जिमी उसो का तो पता नहीं, कभी भी दोस्तों बिहाइंड द बार्स हो सकते हैं। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी हुई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो गाइस जहां भाई को हो रही है जेल, रोमन रेंस ने कर दिया बड़ा कमेंट जो कि उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड है। तो हाल ही में दोस्तों जो रोमन रेंस थे वो पीटर के एक पॉडकास्ट में दिखाई दिए, पीटर रोजनबर्ग के दोस्तों जो एक पॉडकास्ट थे, इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस एक बड़ी चीज़ बोल गए। रोमन रेंस ने ये चीज़ कही कि अगर इस वक्त उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ना पड़ जाए तो वो खुशी खुशी छोड़ देंगे। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा, चलिए जान लेते हैं। तो रोमन रेंस का हाल ही में इंटर हुआ, जिसमें दोस्तों उनके रिटायरमेंट पर सवाल पूछे गए थे और ये चीज़ पूछी गई थी कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं जो कि लास्ट एक ईयर में आई है। रोमन रेंस बोले कि वो थंडरडोम एरा के सबसे बढ़िया सुपरस्टार है। वो ये चीज़ बोले कि बीते एक साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, मेरी परफॉर्मेंस टॉप पर रही है और मैं खुद को काफ़ी बढ़िया पाता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा पाता हूँ। अगर इस वक्त कोई मुझे कहे कि डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ दो तो मैं हंसते हंसते डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ना पसंद करूँगा, क्योंकि जैसी मेरी परफॉर्मेंस रही है बीते एक साल में मैं उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो रोमन रेंस ने साफ कर दिया है कि गाइस वो थंडरडोम एरा के सबसे बढ़िया सुपरस्टार है, और मेरे हिसाब से दोस्तों रोमन रेंस बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस एरा के अंदर सिर्फ एक सुपरस्टार का बहुत अच्छे से उदय हुआ है, वो कोई और नहीं, वो हमारे ट्राइबल चीफ है। इससे पहले सीना ने भी सेम चीज़ कही थी कि थंडरडोम एरा का काफ़ी ज़्यादा फायदा रोमन को पहुँचा है, उसने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप किया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ ऑडियंस नहीं थी और रोमन रेंस एक बढ़िया हील बनकर उभरे हैं। वह बात की जाए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो गाइस इस हफ्ते वो धावा बोल सकते हैं एज के ऊपर, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि गाइस जो हमारे रोमन थे वो तो गायब थे, लेकिन इस हफ्ते उन्हें आना पड़ जा सकता है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि जिमी उसो पर पूरा दारोमदार ना दिया जाए। जैसे अरेस्ट हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ रोमन रेंस को लौटना पड़ जा सकता है, एज को दोस्तों आकर फोड़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस बार किस मैडम के अंदर। आप कितने एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे जो बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जो कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।